मैडम, फ्रीडम फ्रीडम हर एक को है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो इसके लिए उसके ऊपर थोड़ा अंकुश तो होना चाहिए। पर्सनल चीज बाहर ही रखो ना, किसी के दूसरों के घर पे आके क्या करने की जरूरत। लेकिन फ्रीडम तो आपको मिल गया, आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ किया, आप अकेले रह रहे हो, वही सबसे बड़ी फ्रीडम है। जब कभी लड़कियां शहर आती है और उन्हें पीजी या रेंट पर घर लेना होता है तो मकान मालिक के 10 सवाल पहले से तैयार होते हैं। ज्यादा लेट तो नहीं आती हो, ज्यादा लेट नहीं चलेगा, लेट नाइट पार्टी नहीं चलेगी, नाइट आउट नहीं चलेगा, और हाँ लड़के तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, अगर बॉयफ्रेंड है तो पहले बता दो। ये सारी समस्याएं लड़की को तब देखनी पड़ती है जब वो शहर आती है और उसे अकेले अपनी जॉब की तलाश में या पढ़ाई के लिए अकेले शहर में घर में रहना होता है, रेंट पर घर लेना होता है या फिर पीजी में रहना होता है। तो एक लड़की के लिए घर ढूंढना, पीजी ढूंढने का सफ़र जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आइए अब लड़कियों से जानते हैं कि उनको घर ढूंढने में, रेंट पे पीजी या घर लेने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये सफ़र आखिर कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है। क्या रेंट पे रूम लेने या पीजी लेने जाती हैं तो कि बॉयफ्रेंड तो नहीं है या पार्टी तो नहीं करोगी, नाइट आउट तो नहीं करोगी, तो ये सारे सवाल उनको करने चाहिए, इतने पर्सनल सवाल। यस। क्यों? बिकॉज आप जो सोसाइटी में रहते हो वो फैमिली के साथ रहते हैं, एंड आप एज अ सिंगल स्पिंस्टर या बैचलर रहते हो तो जो माहौल आप क्रिएट करते हो वो फैमिली वालों और उनके बच्चों के लिए कभी कभी एडवर्स इफेक्ट करता है। उनके बच्चे आपको देख के सीखेंगे और दे में डिमांड्स थिंग्स। सो फैमिली के साथ वो होना, यू कैन स्टे सिंगल, नॉट अ प्रॉब्लम, पर वो पूछना ज़रूरी है, क्योंकि आप हाँ बोलोगे और फिर आप वही सब चीज़ें करोगे, दारू की बॉटलें बाहर डस्टबिन में मिलेगी, बच्चे आते जाते पूछेंगे कि ये क्या है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ अवर कल्चर, इंडियन कल्चर, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट अवर कल्चर। तो वही हिसाब से जो भी कुछ करना है वो कंट्रोल में होना चाहिए, उसे सोसाइटी वालों को, पास पड़ोस वालों को, या छोटे बच्चे, भले वो कॉलेज गोइंग वाले या जो भी काम करने वाले, उनके ऊपर उनको कुछ और हमें, वो भी फील नहीं करे, हम भी फील नहीं करें। इसके लिए जो भी वो जो पूछ रहे हैं तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन लेने वाली तो बात तो है ही नहीं। हाँ, सवाल तो करेंगे रूम मालिक, राइट राइट, सवाल तो करेंगे, उनको रूम देना है ना, पूछेंगे तुम नौकरी क्या करते हैं, तुम कैसे रहते हैं, पूछ के रूम देते। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और लड़कियाँ लेट आए, ये सब जो चलता है ना, मतलब लेट तो लड़के जात नहीं आना मांगता है, पहली बात तो डर भी रहता है ना, अपने मर्जी से हुआ, लेकिन वो बाकी। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव की रिपोर्ट।